हाय फ्रेंड्स, फिर से आया हूँ एक नए प्रोजेक्ट का इन्फॉर्मेशन लेके हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा पे। दोस्तों, प्रोजेक्ट का नाम है सोनम इंद्रधनुष। मीठालाल जैन बिल्डर हैं, इन्होंने मीरा रोड में काफ़ी कंस्ट्रक्शन किया है। आप देखें तो गोल्डन नेस्ट, न्यू गोल्डन नेस्ट, ओल्ड गोल्डन नेस्ट और इंद्रप्रस्थ और फेस 14, काफ़ी सारा काम किया है इन्होंने। इनका एक अच्छा नाम है हमारे मीरा रोड एरिया में। इनका ही प्रोजेक्ट है, 30 माले का टावर लेके आ रहे हैं ये। लोकेशन इनका काशी गाँव है, जो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से ज़्यादा 1 से 1.5 किलोमीटर के दूरी पे है, जो इजीली आप वॉकिंग भी जा सकते हैं या बाय कार बाय व्हीकल बहुत इजीली पहुंच सकते हैं। बहुत कम डिस्टेंस है वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे। इसी पूरे प्रोजेक्ट की बात करने वाला हूं दोस्तों। मैं विकास बरनवाल, चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी डीलर मीरा रोड मुंबई से स्वागत करता हूँ एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा में। दोस्तों, वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ के साथ ये लेके आ रहे हैं। 30 माले का टावर है इनका और मैं कुछ फ़ोटो और वीडियोस दिखाता हूँ इस प्रोजेक्ट का, किस टाइप का फ्लैट बना रहे हैं और किस टाइप का एलिवेशन है। उसके बाद फिर मैं इसकी प्राइजिंग की बात करूँगा, साथ ही साथ इनका स्कीम क्या है और हमारे तरफ से और क्या है, गिफ्ट वाउचर क्या है, साथ ही साथ और हमारी सर्विसेज क्या है, ये सब कुछ मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही हमारा हर एक वीडियो में, हर एक जो न्यू प्रोजेक्ट के वीडियोस होते हैं या रीसेल के भी वीडियोस होते हैं, उसमें हमारा एक अपने अनुभव के अनुसार, 10 से 15 सालों के अनुभव के अनुसार एक प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट टिप्स भी होता है, वो भी मैं इसी वीडियो में आपको बात करने वाला हूँ। पहले कुछ प्रोजेक्ट के फ़ोटो और वीडियोज़ देखते हैं, फिर बाद में बात करते हैं फ्रेंड्स। ये इसका बिल्डिंग का मॉड्यूल है, जो आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत, दो बिल्डिंग के बीच में एक ब्रिज के जैसा बनाया हुआ है, जो ये जिम्नासियम है इसका। स्काई जिम दिया है उन्होंने, दो बिल्डिंग के बीच में बनाया हुआ है। फॉरेन का कोई बिल्डिंग है, उसका ही कुछ कॉपी हुआ है इसके एलिवेशन के लिए। इसमें सारे मॉडर्न एमिनिटीज़ दे रहे हैं ये। स्विमिंग पूल आप देख सकते हैं, ट्रायंगल शेप में काफ़ी बड़ा स्विमिंग पूल दिया हुआ है। गार्डन, किड्स प्ले एरिया वगैरह सब। ये 2 BHK का मॉड्यूल है इसका। ये आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे वीडियो को स्टॉप करके, तो आप समझ पाएंगे इसको। ये इसका मॉड्यूल है 2 BHK का। आगे हम फ्लैट देखेंगे। ये 2 BHK का फ्लैट है। एक्चुअली ये फ्लैट इंद्रप्रस्थ का है और इनका कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और फिनिशिंग दिखाने के लिए मैं ये दिखा रहा हूँ आपको, बिकॉज अभी एक्चुअल इंद्रधनुष का सैम्पल फ्लैट बना नहीं है, तो बिल्डर भी इसी फ्लैट को दिखा के इंद्रधनुष का पूरा प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं। आप यहाँ पर आइए, आप प्रॉपर देख पाएंगे कि क्या थोड़ा डिफरेंट है। ये इसका किचन है, किचन में भी बालकनी दिया हुआ है। ये पूरा मॉड्यूलर किचन वगैरह किया हुआ है। इंद्रप्रस्थ का फ्लैट है ये, और इंद्रधनुष में जो आएगा कंस्ट्रक्शन क्वालिटी फिनिशिंग बिल्कुल ऐसे ही रहेगी। फ्लैट का स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट रहेगा दोस्तों, अभी सैंपल बना नहीं है, इसके लिए मैं वीडियो में आपको इंद्रप्रस्थ का ही दिखा पा रहा हूँ। ये इसका लिविंग डाइनिंग एरिया है, इतना ही स्पेसियस बड़ा फ्लैट है उसमें। ये इसकी बड़ी बालकनी है। लिविंग डाइनिंग हॉल। आगे हम देखेंगे इसका बेडरूम दोनों किस टाइप का है। ये इनका कॉमन बेडरूम है, कॉमन बेडरूम भी आप देख सकते हैं, काफ़ी स्पेसियस है। ऑलमोस्ट फ्लैट का साइज यही रहेगा इंद्रधनुष का भी। ये इसकी बालकनी है 3 फुट की। ये जो रजिस्टर और इन्वेस्टर का फ्लैट लिखा हुआ है, वो ये इंद्रप्रस्थ के फ्लैट का है। ये तो न्यू प्रोजेक्ट है, इसमें फिलहाल कुछ भी नहीं है, अभी ये बनेगा, बनने के बाद आएगा। अभी हम कॉमन वॉशरूम और मास्टर बेडरूम देखेंगे।
ये इसका कॉमन वॉशरूम है। अभी हम इसका मास्टर बेडरूम देखते हैं। ये इसका मास्टर बेडरूम, मास्टर बेडरूम भी आप देख सकते हैं, काफ़ी स्पेशियस दिया है इंद्रप्रस्थ में, और सेम एज इट इज इंद्रधनुष भी आने वाला है इनका। 3 से 4 फुट की बालकनी है इसकी भी। हर एक बिल्डिंग इनका अभी जो लेटेस्ट बना रहे हैं पिछले 5-7 साल के अंदर, बहुत ही खूबसूरत एलिवेशन के साथ बना रहे हैं। ये मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है जो दरवाजे के पीछे जो सामने दिख रहा है। आप देख सकते हैं वॉशरूम के अंदर मिरर, बेसिन, कमोड सब ब्रांडेड एक्सेसरीज यूज़ किया है जैन साहब ने। अभी हम फ्लैट के अंदर से पूरे व्यू देखते हैं इसका। आगे पूरा डिटेल में बात करता हूँ फ्रेंड्स। जो भी हमने अभी प्रोजेक्ट का फोटो और वीडियो देखा सोनम इंद्रधनुष का, इसका मैं पूरे प्रॉपर्टी का डिटेल की बात करता हूँ, इसके पूरे कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूँ दोस्तों। इस प्रोजेक्ट का मैंने वीडियो में प्राइस नहीं बताया है, बिकॉज प्राइस अभी जैसे जैसे बुकिंग का इनका स्पीड और टाइम बढ़ते जाता है वैसे वैसे प्राइजिंग चेंज करते जाते हैं। तो प्राइजिंग जानने के लिए फ्रेंड्स ऊपर हमारा नंबर दिया हुआ है, वो दोनों नंबर में से किसी भी नंबर पे फ़ोन करें, प्राइजिंग डिटेल मैं आपको फ़ोन पे दूंगा। और पूरा डिटेल मैंने प्रोजेक्ट में दिया है, प्राइजिंग हर 1 महीने हर 2 महीने में बिल्डर का चेंज भी होता रहता है, तो आपको लेटेस्ट प्राइज मिलेगा। कॉल करें हमारे ऊपर दिए हुए नंबर। इस इंद्रधनुष में 2 BHK की बेसिक प्राइस मैं आपको बता देता हूँ, 88 लाख से स्टार्टिंग प्राइस है। आगे इसमें जो बड़ा वाला फ्लैट है उसका क्या प्राइस है, ऑल इंक्लूसिव प्राइस क्या होगा, वो मैं आगे आपको बताऊंगा, क्योंकि प्राइसिंग तो इनका हमेशा चेंज होता रहता है। एक बार आप कॉल करें पूरा इन्फॉर्मेशन के लिए दोस्तों। फ्रेंड्स मैं प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट टिप्स की बात करूँ तो अभी जो रेरा का जो रूल्स आया है, रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो गवर्नमेंट ने पास की है मोदी सरकार के राज्य में, जो बायर्स को सेफ करने के लिए ये जो रूल्स बनाया है गवर्नमेंट ने, इसमें मैं हर एक वीडियो में एक एक दो दो टिप्स दूंगा ताकि आपको पूरी तरह से नॉलेज मिले और प्रॉपर्टी के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, रहने के लिए, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए फैसला कर सके डॉक्यूमेंटेशन चेक करके। फ्रेंड्स पहले क्या होता था कि बिल्डर अपने हिसाब से स्क्वायर फुट के प्राइस तय करते थे और उसके हिसाब से प्राइस वो लिया करते थे पर स्क्वायर फुट पे। अभी हर एक प्रोजेक्ट का स्क्वायर फुट कितने का होगा, कितने स्क्वायर फुट की प्रॉपर्टी बनेगी और कितना उसका यूजेबल कारपेट होगा और कितना उसका रेरा कारपेट होगा, ये रेरा के तहत डिसाइड होता है। वो सब पहले जो फ्रॉडबाजी चलता था वो चीज़ें कब का, ये रेरा आने के बाद बंद हो चुका है फ्रेंड्स। और आगे मैं बात करूं, आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है, आप जो पैसा बिल्डर को देते हैं, पहले क्या होता था कि बिल्डर आपका पैसा जिस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए लेते थे वो वहाँ पे उस पैसे को ना लगा के, उस पैसे को अगर उनके अकाउंट में जाता था तो वो पैसे को उठा के दूसरी कोई प्रॉपर्टी खरीद लेते थे या दूसरा कोई लैंड में इन्वेस्टमेंट कर देते थे, दूसरा कोई बिल्डिंग बना देते थे जहाँ पे उनका अच्छा खासा प्रॉपर्टी भाव में बिक रहा होता है या सेल कर हो रहा होता है। तो उस टाइम क्या था कि आपका पूरा पैसा बिल्डर के अकाउंट में जाता था और बिल्डर अपने हिसाब से अपने पैसे को यूज़ करता था, आपके पैसे को, और जिस प्रोजेक्ट के लिए, जिस प्रॉपर्टी के लिए आपने उसको पेमेंट दिया है वो प्रोजेक्ट पूरा का पूरा 3 साल 4 साल 5 साल डिले कर देते थे। लेकिन आज के डेट में रेरा आने के बाद दोस्तों ऐसा हुआ है कि आप जो पेमेंट करते हैं वो पेमेंट बिल्डर और गवर्नमेंट इन दोनों के बीच में एक एस्क्रो अकाउंट बनता है हर एक प्रोजेक्ट को लेके, और वो जो आपका इन्वेस्टमेंट है, आपका जो पैसा है, वो पूरे के पूरे एस्क्रो अकाउंट में जाता है जो गवर्नमेंट के अंदर होता है। जैसे जैसे बिल्डर प्रोजेक्ट बनाते हैं उसके हिसाब से 20-30% पैसा गवर्नमेंट इनको रिलीज़ करती है जितना जितना वो प्रॉपर्टी बनाते चले जाते हैं। तो उसका कई बेनिफिट कस्टमर्स को ये हुआ है कि बिल्डर को सबसे पहले जल्द से जल्द वो पैसा अपने हाथ में लेना होता है, तो बिल्डर क्या करते हैं जल्द से जल्द प्रोजेक्ट को बना के हैंडओवर करते हैं और गवर्नमेंट को शो करते हैं कि हमने ये प्रोजेक्ट बना के हैंडओवर कर दिया है, अब हमारा पैसा आप रिलीज करो, तब गवर्नमेंट उनको पूरा पैसा देती है। तो इससे बायर्स को ये फ़ायदा हुआ कि टाइम पे
उनको डिलीवरी मिलता है प्रोजेक्ट का। और रेरा में एक रूल्स और भी है कि विदाउट ओसी वो सोसाइटी हैंडओवर नहीं कर सकते, सोसाइटी रजिस्टर करके सोसाइटी को हैंडओवर नहीं कर सकते, यानी वहाँ पे रहने वाले लोगों को हैंडओवर नहीं कर सकते। तो ओसी आज के डेट में जो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट है, जो बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद गवर्नमेंट के लोग आते हैं, सारी चीज़ें चेक करते हैं, पानी का, बिजली का, गैस पाइपलाइन का, सारी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी चेक करने के बाद फिर वो पब्लिक को ऑक्यूपाइड होने के लिए ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट देते हैं। तो पहले इसका उतना वैल्यू नहीं था, बट आज के डेट में ऐसा हो गया रेरा आने के बाद, आपको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट देने के बाद ही सोसाइटी हैंडओवर होती है। तो ये सब पॉजिटिव पॉइंट है रेरा के जो इन्वेस्टमेंट टिप्स के लिए। तो आज के बस इन्वेस्टमेंट टिप इतना ही, फिर से जो वीडियो बनाऊंगा उसमें अलग अलग मैं इन्वेस्टमेंट टिप लेके आऊंगा। दोस्तों हमारी सर्विसेज की बात करूं दोस्तों, प्रॉपर्टी के साथ साथ हम लोग, हमारी पूरी टीम होम लोन के लिए भी काम करती है। अगर आपको होम लोन भी लेना हो तो भी आप हमें कॉल करें, होम लोन के लिए भी हम पूरी हेल्प करेंगे आपको दिलाने में। आपके डोर टू डोर सर्विस हमारे पर्सन देंगे, वहाँ से डॉक्यूमेंट कलेक्ट करेंगे, सारे बैंकों से हमारा टाई अप है। तो आपको अगर होम लोन भी करना है तो उसमें भी हम आपको पूरी हेल्प करेंगे दोस्तों, होम लोन दिलवाने में। तो दोस्तों हमारे ये प्रॉपर्टी प्लाजा चैनल पे हमेशा कभी कभी बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी सीधे 30-40% डिस्काउंट पे आता है। बिल्डर के जो लॉन्चिंग प्रॉपर्टी होता है उस टाइम बिल्डर जब लॉन्च कर रहे होते हैं तो अच्छे खासे प्राइस वो ओपन करते हैं। कभी कभी तो बहुत सारा डिस्काउंट, रजिस्ट्रेशन स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट रहता है, PLC डिस्काउंट रहता है, फ्लोराइज डिस्काउंट रहते हैं, ऐसे बहुत सारे डिस्काउंट्स रहते हैं। तो अगर इस टाइप के जो बेनिफिट वाली प्रॉपर्टी है, लॉन्चिंग प्रॉपर्टी है, कभी कभी रीसेल में भी हमारे पास कोई प्रॉपर्टी आती है बेनिफिट में, मैं हमेशा अपने यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा पे डालता रहता हूँ। अगर आपको ये सब नोटिफिकेशन सबसे पहले चाहिए तो आप हमारा चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबा लें, बेल आइकन का प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं ऐसे कोई वीडियो डालूं जो फ़ायदे वाली प्रॉपर्टी के हो तो सबसे पहले आपको मिल सके और आप जल्द से जल्द उसका बेनिफिट ले सकें। दोस्तों आप हमारा इस चैनल को फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करें, ताकि उनको भी हेल्प मिलेगा और वो भी, उनको भी अगर प्रॉपर्टी लेना रहेगा तो हम उनको भी दिलाएंगे, प्रॉपर्टी दिलाने में हेल्प करेंगे। दोस्तों इन सब अर्जेंट सेल और फायदे वाली प्रॉपर्टी, बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी का अपडेट, न्यू अपडेट जो नए नए प्रॉपर्टी सेल करने के लिए आते हैं, इसका अपडेट अगर आप व्हाट्सअप पर चाहते हैं तो हमारा नंबर है 9619871855। हमारा दूसरा नंबर है 8070807099। ये दोनों नंबर पे हमारा व्हाट्सअप है। आपका नाम, आपका लोकेशन, आपका बजट, आपका रिक्वायरमेंट, ये हमें आप अपने व्हाट्सअप नंबर से हमें पिंग कर दें। जैसे भी हमारे पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी आती है तो हम अपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आपको ऐड कर लेंगे, और जब भी ऐसी कोई अर्जेंट सेल वाली, फ़ायदे वाली प्रॉपर्टी आती है तो हम व्हाट्सअप ब्रॉडकास्ट लिस्ट के थ्रू आपसे शेयर भी करते रहेंगे, ताकि आपको जल्द से जल्द उसका बेनिफिट मिल सके। दोस्तों आज के इस प्रोजेक्ट का इन्फॉर्मेशन इतना ही, आगे आपको पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप एक बार विजिट करें, उसके बाद हम आपको बताएंगे। फिर आपको परचेस करना हो तो हम आपको परचेस में बुकिंग से लेकर टिल पोजीशन तक आपको पूरा हेल्प करेंगे। दोस्तों आगे फिर से आऊँगा नए प्रोजेक्ट का इन्फॉर्मेशन लेके, या रीसेल की प्रॉपर्टी होगी तो उसका भी इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा इस यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा पे। दोस्तों फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, फिर से आऊँगा दोस्तों नए वीडियो लेके, तब तक के लिए नमस्कार फ्रेंड्स।